बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने ठोकी भांडे विधानसभा सीट से दावेदारी। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, उन्होंने कहा पार्टी आलाकमान को अपने नाम पर विचार करने की बात कही है। साथ ही 2018 के चुनाव में किन्हीं कारणों से काटा गया था मेरा टिकट, उन्होंने बोला है कि किसी कारणों से मेरा टिकट काटा गया था। वहीं भांडे विधानसभा कार्यकर्ता जनता की मांग भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाएं। कांग्रेस के बागी विधायक रक्षा सिरोनिया के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई थी। पार्टी में खलबली मची है। उपचुनाव में चंबल क्षेत्र के भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी गयी है। हिंदुस्तान टुडे के लिए संवाददाता सत्येंद्र रावत की रिपोर्ट। विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से, अपने नेतृत्व से निवेदन किया है। और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया था, लेकिन हमको विश्वास है हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ठीक निर्णय करेगा और हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी विचार करेगी और निर्णय होने के बाद में हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्राणपण से जुटेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ।